हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है रविवार और आज हम शुरू करने जा रहे हैं साप्ताहिक का ये जो भाग, इसमें हम अक्टूबर 20 से लेके अक्टूबर 26 तक, यानी कि पिछले एक हफ्ते, पिछले जो संडे से लेके इस सैटरडे तक जो पूरा हफ्ते की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उसको इन द एमसीक्यू फॉर्मेट हम लोग डिस्कस करेंगे विथ देयर डिटेल्स। तो काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से स्टेट की जो डिसीजन है कि मैटरनिटी बेनिफिट्स दिया जाएगा, जो प्राइवेट एजुकेशनल सेक्टर है, तो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर को पहले मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलती थी महिलाओं को, तो वहां पे जो एजुकेशनल सेक्टर में काम करती थी वहां पे, तो ये अभी सेंटर ने मान लिया है। तो ये कौन सा स्टेट का ये डिसीजन को मान लिया है, तो यहाँ पे जो केरला है इंडिया का पहला स्टेट बना है जो प्राइवेट जो एजुकेशनल सेक्टर में जो महिलाएं काम करती उनको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगी। तो यहाँ पे टोटल जो है मैटरनिटी बेनिफिट कोई भी महिला को 26 वीक्स तक मैटरनिटी यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेगी। तो यहाँ पे उनको सैलरी के साथ भी यहाँ पे लीव मिलेगी। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयर है उनको ₹1000 का एक मेडिकल इंश्योरेंस अलाउंसेस भी यहाँ पे देना होगा। तो इसका सही आंसर है केरला। और केरला से रिलेटेड और एक न्यूज याद रखिएगा कि जो दुरान कप हुआ था 2019 का, जो दुरान कप, तो दुरान कप में गोकुलम केरला ने जीता। ये 129वां एडिशन था दुरान कप का, तो वहां पे उन्होंने मोहन बागान को 2-0, 2-1 में फाइनल में हरा के दुरान कप को जीता गोकुलम केरला ने। तो इसका सही आंसर है केरला। कौन से बैंक ने ये लॉन्च किया एक स्कीम की, एक कॉन्टेक्टलेस मोबाइल फोन पेमेंट्स फैसिलिटी। तो इसके जरिए जो SBI कार्ड पे के जरिए जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज है उन लोग एक कॉन्टेक्टलेस पेमेंट मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं जहां पे फिजिकली कोई क्रेडिट कार्ड या कोई भी पिन की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे बेसिकली अलग अलग फीचर्स है, जैसे कि कार्ड इमोलेशन टेक्नोलॉजी है, देन कॉन्वीनियंस है यहाँ पे काफी सिक्योर कार्ड पेमेंट्स के हिसाब से। तो इसका जो सही आंसर है SBI। और SBI के जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। और बैंक से रिलेटेड और उसके SBI के जो चेयरमैन है उनका नाम है रजनीश कुमार। तो रजनीश कुमार के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। देन जो बैंक से रिलेटेड और एक न्यूज याद रखेंगे, एक्सिस बैंक ने हाल ही में एक स्कीम निकाली है ताकि जो भी कस्टमर है वहां पे उन लोग के एक्सिस बैंक में अकाउंट ना भी हो तब भी उन लोग एक फिक्स डिपोजिट का अकाउंट खोल सकते हैं within 3 minutes। और जो ICICI बैंक ने उन लोगों ने एक प्रोविजन दिया है कि कस्टमर को एक कॉम्प्लीमेंट्री क्रिटिकल इलनेस कवर ₹1,00,000 का दिया है, ये ICICI बैंक ने दिया है। 2019 का जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है, तो ये जो सर्वे किया गया था 128 कंट्रीज में सर्वे किया गया था और ये सर्वे किया गया था चैरिटीज एड फाउंडेशन ने। तो इसमें इंडिया की जो रैंक है ये रैंक है 82। तो इसमें ये पता लगाया गया था कि इंडिया में टोटल जो 34% जो लोग हैं उन लोग कोई भी स्ट्रेंजर को हेल्प करते हैं। यहाँ पे 24% लोग जो है यहाँ पे जो अपने पैसे भी डोनेट करते हैं और जो 19% लोग हैं यहाँ पे इंडिया में तो वो भी अपने वॉलेंटरली या कोई भी काम अपने टाइम को भी यहाँ पे डोनेट करते हैं, वॉलेंटरली यहाँ पे काम करते हैं। तो इसमें पहला रैंक हासिल हुआ था USA, सेकेंड म्यांमार, थर्ड न्यूजीलैंड और फोर्थ ऑस्ट्रेलिया को। तो इंडिया का रैंक इन 2019 वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 82nd। कौन सी गवर्नमेंट ने YSR रायतु भरोसा PM किसान योजना लॉन्च किया है, तो ये बेसिकली आंध्र प्रदेश के जो CM है YS जगनमोहन रेड्डी, ये इन्होंने लॉन्च किया है रायतु बंधु PM किसान सम्मान योजना। तो यहाँ पे ये लॉन्च किया नेलोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा जो भी यहाँ पे किसान है, हर साल ₹13,500 का एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। तो इसमें से जो स्टेट प्रोवाइड करेगी ₹7,000 और ₹6,500 जो है ये सेंटर यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। और किसान से रिलेटेड और कुछ कुछ स्कीम, जैसे कि रायतु बीमा और रायतु बंधु, ये स्कीम लॉन्च किया था तेलंगाना ने और कृषक बंधु लॉन्च किया था वेस्ट बंगाल ने। और कालिया स्कीम जो है, कालिया स्कीम काफी फेमस हुई थी, तो कालिया स्कीम लॉन्च किया था उड़ीसा ने। तो रायतु भरोसा स्कीम लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का सही आंसर है।
कौन से इंडियन आर्म फोर्स ने ओएसिस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ओएसिस का जो फुल फॉर्म है उसका नाम है ऑफिसर्स ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर्ड इन्फो सिस्टम। तो इस सॉफ्टवेयर के जरिए कोई भी जो आर्मी ऑफिसर से उनके जो रिकॉर्ड्स है ये डिजिटलाइज्ड किया जाएगा, उसको डिजिटली चेक किया जा सकता है। तो रिकॉर्ड्स में उनके जो सर्विस रिकॉर्ड है, उनके जो सैलरीज है, यहाँ पे उनके ऑब्जर्वेशंस है, उनके जो मंथली स्टेटमेंट्स फॉर्म 16 ऐसे को जो भी है यहाँ पे चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है। तो इंडियन आर्मी के चीफ है जनरल बिपिन रावत, देन इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ है कृष्ण स्वामी नटराजन, इंडियन नेवी के चीफ है एडमिरल करमबीर सिंह और इंडियन एयरफोर्स के चीफ है मार्शल राकेश कुमार सिंह भादुरिया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये जो है अपॉइंट किया गया है अनूप कुमार सिंह को, इनको अपॉइंट किया गया है। इससे पहले जो थे, अभी जो करंट है, ये करंट जो है सुदीप लखतकिया, ये करंट है अभी, तो अनूप कुमार सिंह जो है सुदीप लखतकिया को यहां पर रिप्लेस करेंगे। तो इसका सही आंसर है अनूप कुमार सिंह। तो सुधीर लखतकिया जो थे ये 2018 से लेकर 2019 तक थे, देन इससे पहले जो थे सुधीर प्रताप सिंह, दोनों में कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, सुधीर प्रताप सिंह ने सर्विस दिया था 2016 से लेकर 2018 तक, और जो आरसी टाइल जो थे ये 2015 से लेके 2016 तक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में यहाँ पे सर्विस दिया था उन्होंने। तो ये बेसिकली जो भी यहाँ पे वीआईपी है या अभी जो काउंटर टेररिज्म एक यूनिट होती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, और इनको जो एनएसजी को ब्लैक कैट्स भी बोला जाता है बिकॉज उनके जो यूनिफॉर्म है उनके यूनिफॉर्म का कलर है ब्लैक। तो यहां पे डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वो है अनूप कुमार सिंह। कौन से कंट्री ने 91st जो इंटरपोल जनरल असेंबली 2022 में जो होने वाली है कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो ये बेसिकली इंटरपोल बेसिकली क्या होता है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ पुलिसिंग, तो इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस। तो ये जो है 91 एडिशन का जो होस्ट करेगी 2022 में ये करेगी इंडिया, तो इंडिया इसका सही आंसर है। और इसमें टोटल 194 मेंबर स्टेट्स है, और इंडिया की ओर से ऋषि कुमार शुक्ला जो है वो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जो है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई वो इंडिया को इंटरपोल में रिप्रेजेंट करेंगे। और अभी करंटली जो 2019 का ये जो चल रहा है, ये चल रहा है चिली के शहर, चिली की जो कैपिटल है सैन डियागो में चल रही है 2019 को। तो आपको पूछा जा सकता है कि 2019 का जो इंटरपोल जनरल असेंबली कहां पे हुआ, तो इसका सही आंसर होगा चिली सैन डियागो, और जो 2022 का वो इंडिया में होगा। और जो इंटरपोल जनरल असेंबली का जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर है लायन फ्रांस में। 2019 का जो G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग होने वाली है ये कौन से शहर में होने वाली है? तो ये बेसिकली होने वाली है वाशिंगटन में, वाशिंगटन डीसी में, जो यूएस की राजधानी है वहां पे। तो यहां से भारत के फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण इंडिया को यहां पे लीड करेंगे इंडियन डेलीगेशन को, और इसके साथ वो जो ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग में भी इंडिया को वहां पे लीड करेगी। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, G20 समिट अलग होती है, ब्रिक्स समिट अलग होती है, और जो ब्रिक्स के यहां पे जो फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक ये दोनों अलग होती है। तो 2019 के जो G20 समिट ये कहां पे हुई थी, G20 समिट 2019 की हुई थी ओसाका जापान में, 2018 की हुई थी बुएनस आयर्स अर्जेंटीना में, देन 2020 का होने वाला है रियाद में, रियाद सऊदी अरेबिया में होने वाला है, और 2022 में इंडिया G20 को होस्ट करेगी। और अगर ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका, तो 2018 की जो ब्रिक्स समिट हुई थी ये हुई थी जोहानेसबर्ग साउथ अफ्रीका में, 2019 की होने वाली है ब्राजील में, और 2020 में होने वाली है रशिया में। तो इन सबको आपको याद रखने हैं। न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव 2019 कौन से सिटी में किया गया? तो इसका मैंने आंसर यहाँ पे गलत लिख दिया, तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली में ये होस्ट किया गया। तो यहाँ पे ये 11वीं एडिशन थी यहाँ पे, जिसमें इंडिया के एनर्जी फोरम के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसका जो थीम थी, इसका थीम थी जो इकोनॉमिक्स फॉर न्यूक्लियर पावर इनोवेशन टुवर्ड्स सेफर एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव होने वाली है न्यू दिल्ली में।
माइंड मास्टर ये जो बुक है, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक जो लिखी है, इसका सही आंसर जो है विश्वनाथन आनंद, जो इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर थे। 1988 में वो इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर बने और 2000 से लेके 2002 तक वो वर्ल्ड चैंपियन थे। फिर 2007 से लेके 2013 तक वो फिर से वर्ल्ड चैंपियन थे इतने सालों तक। और अभी जो करंट चेस के वर्ल्ड चैंपियन है, नंबर वन खिलाड़ी है, वो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। और यंग और ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड और एक न्यूज याद रखिएगा, डी गोकेश ये चेन्नई के चेस प्लेयर है जो इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है। 13 साल की आयु में इन्होंने ग्रैंड मास्टर हासिल कर लिया, इंडिया के यंगेस्ट जो ग्रैंड मास्टर है और पूरे दुनिया के सेकेंड यंगेस्ट है। तो डी गोकेश फ्रॉम चेन्नई। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के नए चीफ किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया है क्रिस्टिन लगार्डे को। ये नाम बहुत ध्यान से याद रखेगा, क्रिस्टिन लगार्डे, बिकॉज इससे पहले जो थी ये आईएमएफ की यहां पे चीफ हुआ करती थी, अभी ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक की चीफ होगी। तो आईएमएफ की अभी नई जो चीफ बनी है ये बनी है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। तो दोनों ही नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, अभी करंट जो है ये है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा और इससे पहले थी क्रिस्टिन लगार्डे। और जो एंटोनियो गुरेटिस है ये है जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, और जो ताकेहिको नाकाओ ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, ताकेहिका नाकाओ। 2019 की जो मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स होने वाली है ये कहां पे होने वाली है? तो ये एक्चुअली चाइना का जो शहर है वुहान में होने वाली है। जैसे कि आप इसको याद रख सकते हैं जो वुहान समिट हुई थी 2018 में जो चाइना में हुई थी, तो इसके हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये 7th एडिशन होगी जो वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स की। तो इसमें जो मिलिट्री इसका जो थीम है, इसका थीम है मिलिट्री ग्लोरी एंड पीस, और जिसको मिलिट्री ओलंपिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और लगभग 10,000 के आसपास यहाँ पे जो ऑफिशियल्स है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, लगभग 140 कंट्री से जो मिलिट्री यहाँ पे है। और ये पहली बार इनोग्रेट हुआ था 1955 में ये हुआ था, और हर 4 साल के बाद इसके बाद होने लगी ये। और इसको कंडक्ट करती है इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल। चेवांग रिंचन सेतु ये कौन से जगह पे ओपन किया गया? तो ये ओपन किया गया भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, उनके द्वारा ये ओपन किया गया, जिस जो ये कंस्ट्रक्ट किया गया है 14,650 फीट के हाइट में। तो इसका सही आंसर है लद्दाख, ये लद्दाख के रीजन में ओपन किया गया, सही आंसर है लद्दाख। और ये जो इसको बिल्ड किया गया जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के जरिए, तो कुछ भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें से। और ये बेसिकली बिल किया गया है जो दुर्बुक शायक दौलत बेग ओल्डी रीजन में, जो लद्दाख के ईस्टर्न लद्दाख के पार्ट में ये रीजन आता है। और ये जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर से इसकी जो डिस्टेंस है 45 किलोमीटर ही है इंडिया और चाइना के बॉर्डर के हिसाब से। तो कर्नल चेवांग रिंचांग जो है इंडिया के इंडियन आर्मी के वन ऑफ द हाईएस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर है, और जिनको 2 बार महावीर चक्र भी मिल चुका है। तो उनके सम्मान पे चेवांग रिंचन सेतु ये स्टार्ट किया गया है। कौन से स्टेट ने ये डिसाइड किया गया है जो एनसीईआरटी के जो अभी कोर्स है, जो बुक्स है, उनके जो 9वीं और 10वीं कक्षा में हर गवर्नमेंट स्कूल में ये स्टार्ट किया जाएगा? तो ये एक्चुअली किया गया मध्य प्रदेश एजुकेशन मिनिस्टर जो है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, उन्होंने ये बोला गया। और इसमें ये एक डिक्लेरेशन दिया गया कि हर 3 महीने में पेरेंट्स और टीचर्स की यहाँ पे एक मीटिंग फिक्स करी जाएगी, जहां पे स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बातें की जाएगी। तो इसका सही आंसर जो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 9वीं और 10वीं कक्षा में जो गवर्नमेंट स्कूल में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को पढ़ाया जाएगा। और एमपी जो है इंडिया की पहली ऐसी स्टेट बनी है जहां पे जो भी गवर्नमेंट टीचर्स के ट्रांसफर होंगे तो उनके कन्वीनियंस के हिसाब से किया जाएगा और ये ऑनलाइन किया जाएगा। और मध्य प्रदेश ने उनके गवर्नमेंट ने एक अध्यात्म जो आनंद विभाग भी यहां पे स्टार्ट किया था, एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट भी स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन ये बने हैं रजनीश कुमार। इससे पहले ये
एसबीआई के चेयरमैन थे, तो इसलिए मैंने बोला था आपको एसबीआई के रजनीश कुमार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो फॉर्मर ये अभी रिप्लेस करेंगे वी के कन्नन जो है, ये अभी जो करंट चेयरमैन है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के, अभी नए चेयरमैन बनेंगे रजनीश कुमार। तो ये एक आईबीए जो है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है बैंक्स के, और ये प्रमोट और डेवलप करती है बैंकिंग जो प्रिंसिपल हो उनके प्रैक्टिसेस, उनके जो कन्वेंशंस फॉर क्रिएटिव बैंकिंग के लिए इसको प्रमोट करती है। और ये इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए चेयरमैन बनेंगे रजनीश कुमार। कौन से टीम ने 2019 का जो प्रो कबड्डी लीग है उसका टाइटल जीता? तो इसका जो सही आंसर है प्रो कबड्डी लीग जो खेला जाता है, जैसे कि आईपीएल होती है, आईएसएल होती है, तो प्रो कबड्डी लीग एक ऐसे टूर्नामेंट होती है कबड्डी से रिलेटेड, तो इसको जीता बंगाल वॉरियर्स ने। तो बंगाल वॉरियर्स ने फाइनल में दबंग दिल्ली जो है, दिल्ली की जो टीम है उसको 39-34 के स्कोर में हराया। तो बंगाल वॉरियर्स अभी जो 2019 के प्रो कबड्डी लीग के चैंपियन है। तो इसमें जो बेस्ट राइडर का अवार्ड मिला है पवन शेरावत को, बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड मिला है फैजल अत्राचली को, और जो बेस्ट ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया था पवन शेरावत ने। और ये जो प्रो कबड्डी लीग ये स्टार्ट हुई थी 2014 में, ये स्टार्ट हुई थी, पटना पायरेट्स जो है हाईएस्ट यहाँ पे 3 बार यहाँ पे खिताब जीत चुकी है। और कबड्डी से रिलेटेड की 2019 की जो कबड्डी वर्ल्ड कप होने वाली है ये होने वाली है दुबई पे। इससे पहले हमेशा कबड्डी वर्ल्ड कप जो इंडिया में होती थी, पहली बार होने वाली है दुबई में। और इंडिया के जो नेशनल कबड्डी टीम के कैप्टन है उनका नाम है अजय ठाकुर। 18वीं नॉन अलाइन मूवमेंट ये कौन सी शहर में होने वाली है 2019 की? तो ये बेसिकली नॉन अलाइन मूवमेंट ये 1961 में स्टार्ट हुआ था यूगोस्लेविया के बेलग्रेड में, जिसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसको अटेंड किया था। तो यहाँ पे एक्चुअली कॉलोनियल सिस्टम जब खत्म हो गई अलग अलग जगहों पे, तो उनके इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो भी कंट्रीज थी यहाँ पे, अलग अलग जो लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया के जो डेवलपिंग कंट्रीज, तो उनको मिला के ये नॉन अलाइन मूवमेंट की इसकी स्थापना हुई थी। तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें 120 जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो कोई भी अलाइड कंट्रीज के साथ यहाँ पे उन लोग के सर पार्टनरशिप में नहीं थी या उनके अगेंस्ट भी नहीं, तो वो कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और जिसमें इंडिया भी है, जिसमें इंडिया की जो टीम को यहाँ पे हेड करेगी भारत के जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। तो इसका जो सही आंसर है 18वीं जो नॉन अलाइड मूवमेंट ये होगी अजरबैजान के जो कैपिटल है बाकू। तो 18वीं नॉन अलाइड मूवमेंट बाकू अजरबैजान। इक्वेरिन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंडिया और मालदीव्स के साथ में, दोनों ही कंट्री जो यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, और ये करेंगे पुणे में। तो मिलिट्री एक्सरसाइज से एक ना एक क्वेश्चन तो आप पूछे ही जाते हैं जनरली, आप इसको याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात होती है हम डिस्कस करते हैं, आज भी करेंगे। और इंडियन आर्मी जो मिलिट्री एक्सरसाइज करती है अलग अलग कंट्रीज के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम करते हैं ऑस्ट्रो हिंड, बांग्लादेश के साथ हम करते हैं संप्रीति, ये काफी बार न्यूज में आती रहती है, चाइना के साथ हम लोग करते हैं हैंड इन हैंड, फ्रांस के साथ हम करते हैं शक्ति, इंडोनेशिया के साथ हम लोग करते हैं गरुड़ शक्ति, दोनों में कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, फ्रांस के साथ शक्ति, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति, मंगोलिया के साथ हम लोग करते हैं नोमैडिक एलिफेंट, नेपाल के साथ हम लोग करते हैं सूर्य किरण, ओमान के साथ हम लोग करते हैं अलनगा, रशिया के साथ हम लोग करते हैं इंद्र, सिंगापुर के साथ हम लोग करते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र, थाईलैंड के साथ हम लोग करते हैं मैत्री, ये भी काफी टाइम न्यूज में आती रहती है मैत्री थाईलैंड के साथ, देन श्रीलंका के साथ हम लोग करते हैं मित्र शक्ति, देन यूके के साथ हम लोग करते हैं व्रज पहाड़, और यूएस के साथ करते हैं जो कुछ दिन पहले समाप्त हुआ था वॉशिंगटन डीसी में युद्ध अभ्यास। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। कौन सी कंट्री ने के रिसर्चर ने एक टेक्नोलॉजी निकाली है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है? रिन्यूएबल एनर्जी मतलब वो एनर्जी सोर्स होती है जहां पे नेचर से यहाँ पे डायरेक्ट एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है विदाउट एनी एनर्जी को बर्न किए हुए, जो नेचर के पर्यावरण के लिए अच्छा हो। तो इसमें अलग अलग सोर्सेज भी यहाँ पे होती है, 7 अलग अलग सोर्सेज जो रिन्यूएबल एनर्जी का आपको याद रखनी चाहिए, वो एनवायरमेंटल साइंस में काफी बार पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। जो 7 अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से वो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी,
हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी और बायोमास, ये रिन्यूएबल एनर्जी के यहाँ पे सोर्सेस है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर्स जो क्वीन मैरी इंस्टीट्यूट है लंदन के, उन लोगों ने ये एक टेक्नोलॉजी निकाली। तो यहाँ पे एक डायलेक्ट्रिक कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या करती है, अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे डिवाइस को यहाँ पे स्टोर करती है जस्ट लाइक बैटरी। तो ये टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पे 30 गुना से ज्यादा यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है एफिशिएंटली, लो कॉस्ट और एनवायरमेंटल फ्रेंडली के जरिए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है यूके। तो यूके ने नई रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस निकाली है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के लेटेस्ट जो रिपोर्ट है, इसमें 2017-2018 में कौन सी ऐसी स्टेट ने हाईएस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, यानी कि महिलाओं के अगेंस्ट सबसे ज्यादा क्राइम रजिस्टर हुई है वहां पे। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1986 में। तो इसके जो लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम हुई है अगेंस्ट वुमेन 2017-18 में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे टोटल इंडिया में उसी दौरान लगभग 3.5 लाख के आसपास यहाँ पे महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम रजिस्टर है, उनमें से लगभग जो 56,000 ये जो है ये उत्तर प्रदेश में रजिस्टर है। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। देन महाराष्ट्र के साथ रजिस्टर हुई है जो महिला के अगेंस्ट क्राइम लगभग 32,000। देन वेस्ट बंगाल में लगभग 30,000 जो क्राइम्स अगेंस्ट महिलाओं के अगेंस्ट यहाँ पे रजिस्टर हुई है। और रेप केसेस की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 5,500 रेप केसेस रजिस्टर हुई है। देन उसके बाद सेकेंड रैंकिंग है राजस्थान, जिसमें लगभग 3,300 के आसपास केसेस रजिस्टर हुई है। और अगर यहाँ पे महिलाओं के अगेंस्ट जो यहाँ पे टॉर्चर होता है, तो टॉर्चर जो यहाँ पे उनके हस्बैंड करते हैं, उनके हस्बैंड के रिलेटिव करते हैं, टोटल रजिस्टर हुई है 27.9%। उनके अगेंस्ट जो टॉर्चर किया जाता है, उनको जो मेंटल असॉल्ट किया जाता है, ये रजिस्टर हुई है लगभग 21.7%। और जो उन लोग की महिलाओं की किडनैपिंग होती है, किडनैपिंग होती है लगभग 20.5% की यहाँ पे आसपास किडनैपिंग होती है। रेप परसेंटेज यहाँ पे बोला गया है 7% रेप होती है महिलाओं के साथ। और यहाँ पे अगर ऑफेंसेस, जितने भी ऑफेंसेस रजिस्टर हुई है, तो हर 1 लाख जो महिला है उनके अगेंस्ट जितने भी केसेस रजिस्टर हुई है, तो उसमें हाईएस्ट जो पोजीशन है उसको सबसे ज्यादा हुई है आसाम में, यानी कि 1 लाख महिलाओं में से 143 महिला जो है आसाम में, उनके अगेंस्ट महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम हुई है। सेकेंड रैंकिंग पे है उड़ीसा और तेलंगाना, उनमें हर 1 लाख महिलाओं के अगेंस्ट 94 केसेस रजिस्टर हुई है। और फोर्थ नंबर पे है हरियाणा, जिसमें 88 केसेस रजिस्टर हुई। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं, ये जरूर पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। कौन सी जो खिलाड़ी है ये वॉग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का इनको खिताब मिला है। तो ये खिताब मिला है दूती चंद, और जिनको 2019 का जो वुमेन वॉग वुमेन ऑफ द अवार्ड भी अवार्ड मिला है। तो इन्होंने जो अक्टूबर में इंडियन नेशनल जो रिकॉर्ड है 100 मीटर का उसको तोड़ा था, जो नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो रांची में हुई थी, रांची में ये रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था। और 2019 में जो यूनिवर्सिटी समर गेम्स यहाँ पे हुई थी इटाली के नेपोली में शहर में, वहां पे 100 मीटर्स में उनका स्वर्ण पदक भी हासिल हुआ था। तो वॉक्स स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ये है दूती चंद। कौन से इंटरनेशनल संस्था ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है फीड आवर फ्यूचर। तो ये इंडिया में जो माल न्यूट्रिशन है, ये कुपोषण है या भूखमरी है, उनके अगेंस्ट ये कैंपेन लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें इन्होंने यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम ने WFO मूवीज, जो इंडिया की लार्जेस्ट सिनेमा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, और जो सावा SAWA और जो UFO दोनों के साथ मिलकर यहाँ पे एक कैंपेन लॉन्च किया है, ताकि जो भी भूखमरी से या जो कुपोषण से लोगों को यहाँ पे बाहर निकाला जा सके। और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना हुई थी 1961 में, इसकी हेडक्वार्टर है इटली में इसकी हेडक्वार्टर है। तो फीड आवर फ्यूचर इसको स्टार्ट किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, याद रखेगी इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि अभी कोई भी जो व्यक्ति है उनके अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो वो गवर्नमेंट जॉब्स नहीं कर पाएंगे। तो ये डिसीजन बेसिकली लिया है आसाम गवर्नमेंट के द्वारा। तो आसाम गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन है, तो कोई भी जो व्यक्ति है उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद भी उनके अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको वहां से फायर भी किया जा सकता है। और ये इफेक्टिव होगा 1 जनवरी
2021 से ये इफेक्टिव होगा। तो कोई भी व्यक्ति है अगर उनके दो से ज्यादा चिल्ड्रेन होंगे तो ये गवर्नमेंट जॉब अभी नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली आसाम के जो पॉपुलेशन एंड वोमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी के तहत ये डिसीशन लिया गया है। तो इसका सही आंसर है आसाम। कौन से यूनियन मिनिस्टर ने एक एमओयू साइन किया है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ जो ये कहते हैं कि वहां पे ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल के और उनके डिस्पेंसरीज में। तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष का जैसे कि आप लोग फुल फॉर्म जानते हैं आयुर्वेदिया योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी। तो आयुष के मिनिस्ट्री ने एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्विसेज के बारे में भी बोला गया है। तो यहाँ पे आर्मी रिसर्च है, देन आर्मी हॉस्पिटल है, देन जो एयरफोर्स हॉस्पिटल है और अलग अलग जो एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम पॉलिसीज जो दिल्ली में है वहां पे अलग अलग यहाँ पे आयुर्वेदिया यूनिट्स खोलेगी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के यूनियन मिनिस्टर है श्रीपद यशो नायक। और आयुष मिनिस्ट्री ने एक आयुर्वेदिया पेलिएटिव केयर यूनिट भी इनोग्रेट किया रिसेंटली, ये इनोग्रेट किया दिल्ली में। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसका सही आंसर है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने एक नेशनल रिपोजिटरी लॉन्च किया है फॉर स्टार्टअप्स। इसका नाम क्या है? तो ये बेसिकली पार्टनरशिप के साथ खोला गया है नेशनल साइबर सिक्योरिटी फॉर कोऑर्डिनेशन विथ ऑफिस। तो यहाँ पे अलग अलग बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अलग अलग जो एकेडमिक्स है यहाँ पे उनके साथ कोलाबरेट करके उनको फ्यूचर इनोवेशन के लिए यहाँ पे एंकरेज किया जाएगा। और यहाँ पे लगभग जो 4000 से ज्यादा जो एंटिटीज है उनको यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनको इंपोर्टेंस दिया जाएगा, इंडस्ट्रीज हो, एकेडमी हो या रिसर्च से रिलेटेड। तो इसका सही आंसर है टेक सागर। इसको पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, अलग अलग नाम से भी आपको पूछा जा सकता है या क्वेश्चन जो है उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। तो सारे आपको चीजें यहाँ पे समझनी होगी। यूडीआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो यूडीआई का जो फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यूडीआई है बेसिकली एक स्टेटरी अथॉरिटी है जो आधार कार्ड 2016 के एक्ट के हिसाब से इसकी स्थापना हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये उसके हिसाब से काम करते हैं और जिसकी स्थापना हुई थी 2009 में। तो यूडीआई के अभी नए सीईओ बने हैं पंकज कुमार। तो पंकज कुमार उनका सही आंसर है। कौन से इंडियन आर्म फोर्स ने एक डिसीशन लिया है कि एक एक्सरसाइज कंडक्ट करेगी सिंधु सुदर्शन? तो ये किसने किया है? तो ये बेसिकली राजस्थान के जो वहां पे रेगिस्तान में किया जाएगा। तो यहाँ पे उनके जो डिफेंस सर्विसेज के जो यहाँ पे ट्रूप्स है उनकी जो यहाँ पे कैपेबिलिटी टेस्ट किया जाएगा। लगभग 40,000 के आसपास यहाँ पे ट्रूप्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका सही आंसर है इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी सिंधु सुदर्शन। और 2018 में इंडियन आर्मी ने और एक ऑपरेशन किया था जिसका नाम था ऑपरेशन सहयोग, जिसके ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन था जो 2018 की जो केरला फ्लड विक्टिम को यहां से निकालने के लिए ये ऑपरेशन किया गया था ऑपरेशन सहयोग 2018 में। कौन से क्रिकेटर ने डॉन ब्रेडमैन का जो हाईएस्ट एवरेज है अपने जो घर में खेलने वाले टेस्ट क्रिकेट में उसको रिसेंटली तोड़ा? तो रोहित शर्मा ने इसका जो सही आंसर है रोहित शर्मा। जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो सीरीज चल रही थी ये भी खत्म हो गई। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो सीरीज टेस्ट सीरीज होती है इसको गांधी मैंडेला ट्रॉफी भी जानते के हिसाब से जानते हैं। तो इसको आप लोग को पूछा जा सकता है गांधी मैंडेला ट्रॉफी कौन सी है, इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज है। तो रोहित शर्मा ने इस टेस्ट सीरीज में 99.84 के एवरेज में डॉन ब्रेडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा जो होम सॉइल पे है। और डॉन ब्रेडमैन का एवरेज जो होम सॉइल पे थे 98.22 और यहां पे उन्होंने पूरे सीरीज में टोटल रन बनाए 539 रन। और इसमें उन्होंने और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया कि एक ही सीरीज में सबसे ज्यादा जो 19 छक्के यहां पे लगाए, तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो रोहित शर्मा इसका सही आंसर है। कनाडा अभी एक अपनी इलेक्शंस खत्म हो गई उनकी, तो उनकी भी सरकार बनने वाली है। तो इनमें कौन से पार्टीज को यहाँ पे सरकार बनाने का यहाँ पे सुविधा मिलेगी? तो यहाँ पे कनाडा में जो जनरल इलेक्शन हुई थी वहां पे टोटल सीट्स थे यहाँ पे 338। तो सरकार बनाने के लिए उनको जो मेजोरिटी चाहिए ये होनी चाहिए 170। तो इसमें सबसे ज्यादा जो वोट मिले हैं लिबरल पार्टी को मिले हैं, लिबरल पार्टी को मिले हैं वहां पे 157 वोट। और जो नेक्स्ट जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी को मिले हैं 121 वोट्स। और जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उनको मिले हैं 24 वोट्स। और जो ब्लॉक क्यूबेक्विज जो क्यूबेक की एक यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है इनको मिले हैं 32 वोट्स। और जो ग्रीन को मिले हैं यहाँ पे 3 वोट्स मिले हैं। तो अभी लिबरल पार्टी अभी यहाँ पे डील करेगी, जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी इनके साथ डील करेगी और 170 से ज्यादा इनके जो
सीट्स हो जाएंगे। तो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर है उनका नाम है जगमीत सिंह। तो सारे ये जो इंफॉर्मेशन आपको याद रखने, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली एक पोस्टल सर्विस जो है इंडिया के साथ बंद कर दिया है? तो यहां पे पाकिस्तान ने अभी काफी सारे रिलेशन इंडिया के साथ कम कर दिया आफ्टर पुलवामा अटैक। तो इसका सही आंसर जो है पाकिस्तान, उन्होंने इंडिया के साथ पोस्टल सर्विस आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये पहली बार हुई है इसको उन्होंने बंद कर दिए है। कौन से गवर्नमेंट ने यह बोला है कि उनके जो कौन से यूनियन टेरिटरी में 7 पे कमीशन अलाउंसेस स्टार्ट किया जाएगा 31 अक्टूबर 2019 में। तो यहां पे यह बोला गया है कि ये जो लॉन्च किया जाएगा आफ्टर 31 अक्टूबर 2019, तो यहां पे जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी डिवाइड कर दिया गया आफ्टर 5 अगस्त 2019। तो वहां पे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, तो दोनों ही जगह पे लगभग 4 लाख जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनके लिए ये 7 फाइनेंस कमीशन ये लॉन्च किया जाएगा, ये अलाउंसेस उनको दिया जाएगा। तो इसमें फिक्स मेडिकल अलाउंसेस होंगे, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंसेस होंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होंगे, हॉस्टल अलाउंसेस होंगे, और जिसकी कुल लागत जो होगी लगभग 4,800 करोड़ के आसपास। तो जम्मू एंड कश्मीर इसका सही आंसर है। नारोहितो ये कौन से देश के एम्पायर है, यानी कि सम्राट है जो अभी अपने सिंहासन में ऑफिशियली यहां पे चढ़ने वाले हैं? तो इसका सही आंसर है जापान। जापान के जो सम्राट है नारोहितो, ये मई में उनको ये एक्चुअली प्रोविजन मिल गया था 2019 के मई में, अभी ऑफिशियली ये अपने सिंहासन पे चढ़ेंगे। तो इनमें भारत के जो प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद ये भी यहां पे प्रेजेंट थे, और इससे पहले जापान के जो एम्पायर थे उनका नाम था अकिहितो। अभी जो नए एम्पायर बनेंगे वो है नारोहितो जापान। कौन सी कंट्री की यहां पे वॉरशिप जो है वो नॉर्थ कोरियन जो वेसल है वहां पे उनको अपने सैंक्शंस को वायलेट करने के वजह से उसको हस्तगत कर लिया है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है यूएसए। तो यूएसए ने बेसिकली जो नॉर्थ कोरिया के यहां पे जो अपने वेसल थे उसको इंटरनेशनल वायलेशन रूल्स के हिसाब से उन लोग जो एक जगह दी थी उसको क्रॉस कर लिया था। तो इसकी वजह से ये जो शिप है, इस जो शिप का नाम है इस शिप का नाम है वाइज ऑनेस्ट, जो शिप का नाम है, और ये जो नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ी जो कार्गो शिप है। तो इसका सही आंसर है यूएसए। कौन सी देश के साथ इंडिया ने एक ट्रेवल एडवाइजरी फॉर्म करने की बात की है? तो यहां पे बेसिकली तुर्की के साथ जो इंडिया के रिलेशन अभी खराब नहीं है, क्योंकि तुर्की ने कश्मीर मुद्दों के ऊपर इंडिया को यूएन में काफी चीजें यहां पे बोली है, पाकिस्तान को यहां पे एफएटीएफ में काफी सपोर्ट किया। तो तुर्की के जो रिलेशन है इंडिया के साथ अभी फिलहाल अच्छी नहीं है। तो यहां पे जो है तुर्की जो है तुर्की के लिए जो भी अभी इंडिया के विजिटर्स जाएंगे तो वहां पे उनके लिए एक ट्रेवल एडवाइजरी भी अपॉइंट करने की बात किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है तुर्की। कौन से मिनिस्टर ने पहले जो नेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से स्नो लियोपर्ड पॉपुलेशन के बारे में बात किया गया है? तो इसमें जो एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, तो इन्होंने ये बोला है कि इंडिया में जो लियोपर्ड पॉपुलेशन, जो स्नो लियोपर्ड, उनकी पॉपुलेशन काफी कम हो गई, तो इनको अभी इनकी पॉपुलेशन को बढ़ानी है, और हाईएस्ट जो स्नो लियोपर्ड की पॉपुलेशन है वो है मंगोलिया एंड चाइना में। तो जो जैसे कि टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ी थी, टोटल पूरे दुनिया के 77% जो टाइगर इंडिया में पाए जाते हैं, और इंडिया में टोटल 2967 टाइगर पाए जाते हैं, और जो पूरे दुनिया के 77% इंडिया में ही पाए जाते हैं, और लगभग 500 जो लायन है इंडिया में, 30,000 के आसपास इंडिया में एलिफेंट है, और लगभग 2,500 के आसपास जो सिंगल हॉर्न राइनो जो आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इनके यहाँ पे आंकड़े भी यहाँ पे डिस्कस किए गए थे। तो स्नो लियोपर्ड के पॉपुलेशन को यहाँ पे इंक्रीज करने की बात की जा रही है, तो इसको किया गया था प्रकाश जावड़ेकर ने। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में इंडिया की रैंकिंग क्या हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इससे पहले इंडिया की रैंकिंग हुआ करती थी 77, अभी जो इंडिया की नई रैंकिंग है यह है 63rd। तो इसमें जो दुनिया की पहले रैंकिंग वाले जो फर्स्ट रैंक पे है न्यूजीलैंड, सेकंड पे है सिंगापुर, थर्ड में है हांगकांग, फोर्थ में है डेनमार्क, और इसमें अलग अलग पैरामीटर्स भी यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए परमिट कितनी इजीली मिलती है,
देन कितनी इजीली प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन यहाँ पे कितनी जल्दी मिलती है, कंपनीज को यहाँ पे फॉरेन ट्रेड या टैक्सेस पे करने के लिए कितनी आसानी होती, तो ऐसे ऐसे पैरामीटर्स के बेसिस पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि बिजनेस करने के लिए सबसे आसान जगह, तो इसमें इंडिया की वर्ल्ड रैंकिंग है 63rd। कन्या सुमंगला योजना ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया, तो बेसिकली कन्या सुमंगला ये जो है एक फ्लेक्स स्कीम है जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत, तो इसमें जो भी घरों में कोई भी अगर लड़की पैदा हुई तो उनके फैमिली को 15,000 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा, तो ये लॉन्च किया उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, तो इसके हिसाब से अलग अलग उनके जो कैटेगरी अगर वहां पे उन्होंने क्लास वन में एडमिशन लिया अलग अलग उसके हिसाब से इसको में अप्लाई किया जा सकता है। तो कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश। कौन से यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये बोला है कि जो पेट्रोल पंप के लिए एक नई नॉर्म्स निकाली है, तो इसके हिसाब से कौन सी कंपनी जो अभी पेट्रोल पंप को चलाने के लिए उसको अलाउंसेस दिया गया है यानी उनको अलाउ किया गया है, तो ये किया गया है नॉइल ऑयल कंपनीज को, तो नॉन ऑयल कंपनीज को अभी ये अलाउ किया गया उन लोग पेट्रोल पंप को यहाँ पे चला सकते हैं, तो इसके वजह से प्राइवेट और फॉरेन कंपनी जो है उनको भी यहाँ पे अलाउ किया गया है कि वो फ्यूल रिटेलिंग सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके, तो यहाँ पे नॉन ऑयल कंपनीज ये सही आंसर है। तो हमारे आज के साप्ताहिक का इस एडिशन में इतना ही, तो इसमें हम लोगों ने पूरे एक हफ्ते का लगभग आप लोगों ने अगर काउंट किया लगभग 40 हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स को इन द एमसीक्यू फॉर्मेट डिस्कस किया, बहुत सारे जो डिटेल्स लगभग 200 से ज्यादा की डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस किए हमने, तो ऐसे सारे जो चीजें हैं आप लोग यहाँ पे नोट करके रख सकते हैं, और बाकी के पुराने जो साप्ताहिक के जो लिंक है प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, आप वहां से उनको देख सकते हैं, और ये जो साप्ताहिक का है हम लोग हर हफ्ते रात है रविवार के दिन, तो आप लोग यहाँ पे उसको काफी कुछ चीजें यहाँ से सीख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत मेहनत होती है, तो आप लोग का सपोर्ट हम लोग को और भी ज्यादा मोटिवेट करेगा हार्डवर्क करने के लिए। देखते रहिए स्टडी डाइज, एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।